कदम नहीं दिखते। 2017 में वादा किया था कि 1 करोड़ घर देंगे, 2021 तक आते आते वो लक्ष्य पूरा हो गया। 2017 में सौभाग्य योजना शुरू हुई थी कि सबको बिजली पहुंचाई जाएगी। आज बिजली की क्या स्थिति आप देख लीजिए, ज्यादा नहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए मान्यवर, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी और अब शायद ही बिजली गांव में भी कटती है। जनधन योजना देख लीजिए, और तो और जो आप नारा लगा रहे थे कि एमएसपी खत्म हो रहा है उस पर देख लीजिए कि स्वामीनाथन आयोग की कमेटी किसने शामिल किया। और तो और आप एयर स्ट्राइक करने की बात कभी सोचते थे? आज भारतीय सेना के पराक्रम का ये विकल्प है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है। और तो और अनुच्छेद 370 जिसको आपके ही कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी के प्यार ने लागू करवाया था, आज वो एबॉलिश हुआ कि नहीं हुआ? 35A एबॉलिश हुआ कि नहीं हुआ? और तो आप बात कर रहे कांग्रेस सरकार की, आपको पंजाब में वन बाय वन राजस्थान में नहीं दिखता? हद में रहो मोदी सरकार। वन बाय वन ऋषि मिश्रा, एक मिनट ऋषि मिश्रा। हाँ जी, इसलिए मान्यवर आप तथ्यों पर बात करने से पहले होमवर्क करके आया करिए। रटा रटाया मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, अरे कम से कम होमवर्क करके आया करिए कि हाँ तथ्य क्या है। ऋषि मिश्रा, राइट राइट, विशाल जी ऋषि मिश्रा, मैं रोकना चाहता हूँ। सारे ओपनिंग कुछ थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आज रही प्रोग्राम में, लेकिन वेरी वेल वो हो गए और किसी तरह सारी चीजें मैनेज हुई। मैं माफी भी मांगता हूं, लेकिन बातचीत के सिलसिले को अब, क्योंकि डिबेट अब ओपन है और सारे लोगों के ओपनिंग रिमार्क हो चुके हैं, साधना भारती जी, विशाल मिश्रा जी के पास रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, और ऋषि जी आप अरविंद वाजपेयी जी की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उसके बाद आता हूं, लेकिन पहले साधना भारती जी। जी जी, सबसे पहली बात तो ये, आप मोदी सरकार की बड़ी सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं। मोदी सरकार में रोजगार, किसान और चंदा चंपत घोटाला किसी से छिपा नहीं, और अभी आप एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, राफेल घोटाला भी सामने आया। एक सेकंड बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे हमें पता है की भाजपा को रख पाए उसको कैसा लगता है, बताइए कैसा लगता है उसे अगर कोई अपनी बात ना रख पाए तो। राइट राइट, यू हैव मेड योर पॉइंट। राइट राजीव जी, राजीव जी, साधना जी, साधना जी, मैं रोक रहा हूँ। साधना जी, राजीव जेटली बात कर रहे थे। राजीव जेटली, आप अच्छी डिबेट करते हैं, साधना जी भी बहुत अच्छी डिबेट करती हैं और बहुत अच्छा वक्ता है। आपने अपना पॉइंट रख दिया कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, डिस्टर्बेंस होता है। अब साधना जी समझदार हैं और समझती हैं, इशारे को भी समझ गई आपके। अब वो नहीं बोलेंगी, अपनी बात कहेंगी और हम सारे लोग सुनेंगे। साधना भारती, देखिए मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि पहली बात तो यही कि रोजगार हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे चंदा चंपत घोटाला हो, चाहे रफाइल घोटाला हो, आज पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है। दूसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की अंतरकलह, तो अंतरकलह तो मध्य प्रदेश में भी दिखती है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान में क्यों ना हो, वो तो संगठन मंत्री से शिकायत तक करके आते हैं। और दूसरी बार राजस्थान में क्या इनके अंदर अंतरकलह नहीं है, इनकी पार्टी सत्ता में नहीं है तब भी कलह मची हुई है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी इन्हें सबसे प्यारी है, ना ही तो इन्हें जनता से कोई प्रेम है। इसीलिए मैं आज भी कह रही हूँ, राजीव जेटली जी आप मंत्री बनाइए, मगर आप जाति और धर्म के नाम पर रोटियां सेकने का काम बंद करके आप उन्हें मंत्री बनाइए जरूर, चाहे पिछड़ों को बनाए, लोधी निषाद को बनाए, ठाकुर ब्राह्मण को बनाए, लेकिन जब उनकी, चाहे निषाद हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, जब उनकी बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार होता है तो उनके लिए आवाज उठाई जाती। मुझे नहीं समझ आया उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी क्या क्या बोल दिया। हाँ, मैं अभी जो बात पहले छोड़ दी थी मैंने, मैं कर नहीं पाया था पूरी। देखिए, आप सदन के अंदर जब बैठते हैं तो आपको लगता है कि मेरा एक मुख्यमंत्री है, मेरा मुख्यमंत्री मुझे इज्जत की नजर से देखेगा। राजस्थान के अंदर क्या हालात हो गए हैं, एक एक विधायक जो वहां बैठता है उस सब की कीमत वहां के मुख्यमंत्री ने लगा रखी थी कि कौन कौन विधायक कितने कितने पैसे में बिक चुका है। ये हम नहीं कर रहे हैं, गहलोत साहब ने कहा था अपने विधायकों के लिए। अपने ही प्रदेश के डिप्टी सीएम के ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो कितने पैसों में बिक चुके हैं। तो अब बताइए किस किस तरीके से वो सदन में बैठते होंगे तो अपने मुख्यमंत्री को देखते होंगे, क्या याद आता होगा कि यार ये तो वही मुख्यमंत्री है जिसने मेरी बेइज्जती करी है, मैं कैसे घुट घुट के जी रहा हूं मैं आज। दूसरी बात, अब पंजाब के अंदर जाकर देखिए, पंजाब का मुख्यमंत्री है, कहीं का भी मुख्यमंत्री हो, अक्षम हो या सक्षम हो, तो एक अलग बात है, लेकिन अक्षम या सक्षम, सुन, या बीच में मैंने कहा था आपको ये कोई तरीका नहीं है,
ये कोई तरीका नहीं है। अब क्या बीच में मैंने आपसे कहा था मत बोलिएगा। आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ये कोई है, देखिए प्रतीक जी तो आपको अब इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अपनी बात भी नहीं रख पाऊंगा इस तरीके से। देखिए आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं। आपने मुझे कहा था कि इनके बीच में मत बोलिए, अपनी बात ये रख ले, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। मेरी बातें इतनी ज्यादा चुप जाती है कि अपनी कुर्सी से उछल जाती है और मेरे ऊपर आ जाती है, बात भी नहीं रखने कोई तरीका थोड़ी। साधना भारती कोई तरीका अब देखिए पंजाब के अंदर एक मुख्यमंत्री अक्षम है सक्षम है वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उस मुख्यमंत्री के ऊपर अपने ही प्रदेश के नेता सिद्धू जी ने क्या इल्जाम लगाया, बड़ा गंभीर इल्जाम है वो कि इन्होंने गुरुओं की बेइज्जती करी, बेइज्जत किया उनको। अरे पंजाब में सिक्खी जो चलती है, सिक्खी केवल गुरु गुरु के मंत्र से चलती है, गुरु के ज्ञान से चलती है। अगर उसकी बेइज्जती का इल्जाम अपना ही नेता लगा रहा है तो सोचिए उस प्रदेश के क्या हालात होंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मैं अब सरकारी अस्पताल नहीं खोल सकता हूं, मैं प्राइवेट अस्पताल खोलूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो